नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं एक अवंती फीड्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक ने एक दिन में 0.3% का रिटर्न, एक सप्ताह में 2.4% का रिटर्न, 6 महीने में 24% का रिटर्न, एक साल में 44% का रिटर्न, 2 साल में 27% का रिटर्न और 5 साल में 59% का। वहीं 10 साल की बात की जाए तो 540% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अब ये कंपनी, ये देखना है कि आगे किस प्रकार का रिटर्न देगी, कैसा रिटर्न देगी कंपनी। अवंती फीड्स स्टॉक है तो कि कंज्यूमर फूड में काम कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसको हम एफएमसीजी स्टॉक में कह सकते हैं, ठीक है। मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 8,449 करोड़ है और एक स्मॉल श्रेणी का स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है। इससे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो हम चलते हैं स्क्रीन की वेबसाइट पर, वहां मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि अवंती फीड्स क्या करती है, क्या काम करती है, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो सर चलते हैं तो बताते हैं हम आपको कि अवंती फीड जो है मैन्युफैक्चर एंड सेल श्रिम्प फीड एंड एक्सपोर्ट प्रोसीड श्रिम्प। अब इसका मैं आपको पूरा अगर बताने का प्रयास करूं विस्तार में तो यह झींगा मछली श्रिम्प के लिए फीड बनाती है, खाना बनाती है, ठीक है, भोजन बनाती है और उसको बेचती है। अब इस कंपनी की बात करें सर, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप किसी स्टॉक में निवेश करें, ये आप थोड़ा सा ऐसी बात है कि इसको आप जरूर सुनिए कि जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करें तो इतना जरूर करें कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसमें आंखें बंद करके निवेश ना करें, उस कंपनी के बारे में पहले जान लें, थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में जान लें। क्योंकि आप अगर ऐसे देखें कि हम मार्केट से अगर 100 रुपए की चीज भी लेने जाते हैं तो हम 2 दुकानों से पता करते हैं कि वो 100 रुपए की चीज किस प्रकार की है, ठीक है, वो अगर आगे चलेगी भी नहीं चलेगी, गारंटी भी है कि नहीं है। लेकिन जब हम शेयर कोई खरीदते हैं तो हम आंखें बंद करके खरीद, किसी ने बता दिया, तुम्हारे दोस्त ने बता दिया, मान लो हमें ये लेना है तो हमने आंखें बंद करके ले लिया और उसमें हम 10, 20, 50,000, 2 लाख रुपए और पूछते हैं कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब वो कह देगा हाँ बढ़ेगा, तो हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। फिर पूछेंगे कि अब ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो सर ऐसे स्टॉक मार्केट काम नहीं करता है। अगर आप ऐसे शेयर मार्केट में काम करेंगे तो आपके लिए, आप उसमें न काम करें वो ज्यादा बेटर है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जब भी आप कंपनी इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में देख लीजिए। और आप अब आप कहें कहां से देखना है, स्क्रीनर की वेबसाइट से देखिए और आजकल तो सबसे महत्वपूर्ण गूगल है, गूगल पे डाल लीजिए कि अवंती फीड्स मान लो हमें लेना है तो अवंती फीड देखिए क्या करती है अवंती फीड, सारा कुछ आपको निकल के आ जाएगा। मैं कहां से बता रहा हूं, मैं भी गूगल से बता रहा हूं चेक करके, या स्क्रीनर वेबसाइट से चेक करके बता रहा हूं, या कहीं और से चेक करके बता रहा हूं, तो सारी की सारी वेबसाइट तो वही है। तो जब आप उसे देखोगे, आप उसे समझोगे तो आप समझोगे कि ये कंपनी करती क्या है, हमें इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब रही बची बात ये आती है कि ये हम, अब आप कहेंगे कि हम इसके फंडामेंटल देखना नहीं जानते हैं या कुछ देखना नहीं जानते, तो आपको मैं आगे बताऊंगा कितना फंडामेंटल सिंपल है जानने का, कोई भी ज्यादा फंडामेंटल आपको सीखना नहीं है, बस इतना सीखिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि आपको क्या करना है कि जब भी किसी कंपनी इन्वेस्ट करें तो एक बार उस कंपनी के बारे में जांच लें, पूरी तरह देख लें कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब अवंती फीड की बात करें तो ये क्या करती है, ये झींगा मछली सिम के लिए फीड बनाती है, बेचती है और ये कंपनी उसके प्रोसेसिंग और निर्यात में भी लगी हुई है, ठीक है सर। अब इसके अगर उत्पाद हम की बात करें तो झींगा के छल्ले हैं, मछली का खाना है, उसके बाद पके हुए झींगे हैं, तो यही सारा कुछ इनके बारे उनके लिए खाना बनाती है, झींगा मछली के लिए, झींगा के लिए, मछली के लिए, इनके लिए खाना बनाती है, फीड बनाती है, मेन चीज बात आपकी ये आई। और इसके ब्रांड अगर देखें तो ये प्रीफेड, मरमेड और टाइटन नामों के ब्रांडों से ये कंपनी आपको ये बेचती है, जो ये बेच रही है झींगा और मछली के लिए, श्रिम्प के लिए, इनके लिए खाना जो बेच रही है, फूड जो बेच रही है, तो कंपनी ये काम करती है। तो ये आपको आपको सारी बात समझ में आई होगी। उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आपको और जानना है तो गूगल पे देखिए, स्क्रीन की वेबसाइट पे देखिए, कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखिए, तो वहां आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए जरूर, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले देखिए जरूर। अब आपको मैं फंडामेंटल बताता हूं, तो फंडामेंटल कोई भी कठिन नहीं होता है, सबसे पहले तो हमें देखना है, जो जो मैं आपको बातें बताऊं वो बस आप देखते जाइए और जिस भी कंपनी में आपको निवेश करना है उसमें आप जरूर देखिए। सबसे पहले मार्केट कैप देख लीजिए, मार्केट कैप क्या है कि 8,445 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है। तो जब स्मॉल कैप है तो ध्यान रखिए, एक नियम ध्यान रख लीजिए कि स्मॉल कैप है तो हमें स्मॉल इन्वेस्ट करना है और माइक्रो कैप है तो हमें माइक्रो इन्वेस्ट करना है। हाँ, लार्ज कैप में हम लार्ज इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में इन कुछ बातों का फॉलो करेंगे तो आपको मार्केट से कोई भी नहीं हरा सकता है। ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि अब ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है सर अब बताइए, काफी मैसेज आते हैं मेरे पास, सर अब बताइए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सर आप अपने आप भी कुछ देखिए ना उसमें कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या होगा कि नहीं होगा। जब आपने अच्छी चीज में निवेश किया है तो बढ़ेगा, जब आप खराब चीज में निवेश करोगे तो नहीं बढ़ेगा।
तो अब देखें मार्केट कैप कितना है, 8,445 करोड़ का है। करेंट प्राइस कितनी चल रही है, 620 रुपए की चल रही है। अब आपको ध्यान कुछ नहीं देखना है, एक चीज देखिए स्टॉक का पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ रहा है, आप ये समझ लीजिए। पी रेशियो का मतलब ये समझ लीजिए कि आप अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो आपको अभी कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, 22 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही सही माना जाता है। पी रेशियो अगर 20, 22, 23 और 20 से कम हो तो बहुत ही अच्छा होता है कंपनी का। तो पी रेशियो कितना हुआ, 22.3 का, अच्छा है। एक चीज ये देखिए, उसके बाद क्या देखना है आपको, बुक वैल्यू देखनी है। बुक वैल्यू से ये पता चल जाएगा, बुक वैल्यू जब कंपनी बंद हो रही है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, तो आपको मिलेगा 174 रुपए, ये पर शेयर का है। मतलब मान लो आपने 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे तो आपको जब कंपनी बेचेगी तो कितने मिलेंगे, 1740 रुपए। वो आपने खर्च कितने किए, खर्च किए आपने 10 शेयरों के 6,000 रुपए, तो आप ये हो गया आपकी इसकी बुक वैल्यू। उसके बाद क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी क्या है, कंपनी कितना रिटर्न कैपिटल पर ले रही है। मैं आपको बताऊं फिर से अगर समझा, तो कंपनी को हर 1 रुपए के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है, हर 1 रुपए कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आरओसी बता रही है जो कि 20% है। तो अच्छा है 20% आरओसी। आरओई ये ध्यान रखिए कि 15 से ऊपर होने चाहिए तो बहुत अच्छे हैं। आरओई कितना है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 15% का मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें मेन मेन अगर चीजें देखी जाए तो बस जो मैंने लिखी है इनको आप देख लीजिए बस, और कुछ नहीं आपको करना है, बस फंडामेंटल आपको जरूर देखना है, किसी भी कंपनी के देखना है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, फिर आप कभी भी ऐसे शेयरों में नहीं फंसेंगे जैसे काफी दिन, अभी कुछ दिन पहले काम देर में लोग फंसे हुए थे, तो उसमें फिर अलग अलग टिप्पणी करते हैं लोग के, ये यहां से इतना गिरा, अब ये यहां से कब चलेगा। सर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो जिसका कोई आप अगर फंडामेंटल नहीं देखोगे, कोई चीज नहीं जांचोगे, हाँ अगर फंडामेंटल आपने देखा है और कंपनी सही है तो वो नीचे गिर रहा है, दिक्कत क्या है, नीचे गिर रहा है फिर ऊपर उठेगा, लेकिन फंडामेंटल अगर अच्छा नहीं होगा तो वो नीचे गिरने के बाद दोबारा उठने की गुंजाइश उसमें बहुत कम हो जाती है। अब यहां से देखें तो पीजी रेशियो कितना है, पीजी रेशियो इसका 4.21। तो पीजी रेशियो को देखिए, पीजी रेशियो 1 से अगर ऊपर होता है थोड़ी कंपनी महंगी है, 1 से अगर नीचे होता है तो अंडर वैल्यूड है। तो यहां पीजी रेशियो कितना है, 4.21 है, तो थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। इंडस्ट्री पी देखिए, इंडस्ट्री पी कितना है, 39.5 का है। अब यहां से एक चीज देखिए कि इंडस्ट्री पी 39.5 का है, स्टॉक का पी कितना है, स्टॉक का पी 22 का है। एक बात ध्यान रखिए कि स्टॉक का पीई और इंडस्ट्री के पीई से कम रहता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये एक क्राइटेरिया पहला अपना लीजिए। उसके बाद अगर हम देखें तो डेब्ट इक्विटी कितनी है, ये कंपनी ध्यान रखिए कि कहीं कंपनी पे कर्जा तो नहीं है, तो डेब्ट इक्विटी कितनी है, 0.01 की है, बहुत अच्छी बात है, कर्जा नहीं है कंपनी के पास। उसके बाद रिजर्व कितने हैं, रिजर्व है 2,352 करोड़ के पास। पेट्रोस की स्कोर कितना है, 7 का है। तो पेट्रोस की स्कोर जरूर आप चेक करिएगा कि कंपनी के जो 9 पॉइंट है, 9 में से इसको कितने मार्क्स मिल रहा है। 7 का पेट्रोस की स्कोर है उस कंपनी को मन देखिए, जहां 1 या 2 का पेट्रोस की स्कोर आ रहा है उस कंपनी को देखिए मत, क्योंकि ये कुछ क्राइटेरिया आप रखिए तो आप मार्केट में कभी भी विफल नहीं होंगे। पेट्रोस स्कोर कितना है इसका, 7 का है, जो अच्छा है स्कोर। उसके बाद फ्री कैश फ्लो देखें कंपनी के पास, 161 करोड़ का है। एक तो प्लेज परसेंटेज देख लीजिए, कंपनी ने कहीं शेयरों को प्लेज तो नहीं कर रखा है, ये चीज देखिए, तो 0% है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 43.2% है, ये भी अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग है स्टॉक में। उसके बाद करंट रेशियो देखा जाए तो करंट रेशियो है 5.13 का। करंट रेशियो क्या होता है, करंट लायबिलिटी जो करंट एसेट इनका रेशियो होता है वो होता है, करंट रेशियो 5.13 का है, ठीक है। अब मैंने आपको इतनी बातें बताई, सारी काम की बातें बताई, अब आपको इतना समझ आया होगा, मैंने काफी वैसे डिटेल में बताया है। अगर अब अगर कुछ आपको अगला देखना है तो अगला क्या देखना है, अगला आप ये देखिए कि कंपनी के रिजल्ट देखिए, क्वार्टरली देखिए, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता होना चाहिए। बस आपको कुछ नहीं पता तो बस 2-3 चीजें ये देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर देखिए कि मार्जिन कितने पे काम कर रही है, मार्जिन कितने पे काम कर रही है, तो ये सारा कुछ देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, अब देखिए हमने देखा 2022 से देखते हैं तो 1300 की जो सेल्स थी अब वो 1500 की हुई है। तो आप यहाँ देखिए 1300 की सेल्स 2 साल के अंदर, और थोड़ा पीछे देखते हैं तो 1400 की सेल्स अब कितनी है, 1500 पे हुई है, ठीक है सर। तो सेल्स में कोई ज्यादा अंतर पड़ा नहीं है। और इसमें देखें अगर जून के 1300 की यहाँ सेल जो एक्सपेंस किया था, अब वो एक्सपेंस कितना है, 1300 का। तो खर्चे में कमी लाई है कंपनी, ठीक है, सेल्स बढ़ी है लेकिन खर्चा थोड़ा उतना ही मेंटेन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और देख लीजिए, 9% अब 11% पर काम कर रही है। तो ये चीज देखिए कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ होना चाहिए, ठीक है, सेल्स लगातार बढ़ती होनी चाहिए। अब नेट प्रॉफिट पर थोड़ा अगर आओ तो
और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ चला जाना चाहिए। 76 करोड़, 33 करोड़, 44 करोड़, 92 करोड़, 73 करोड़, 67 करोड़, 71 करोड़, 101 करोड़, 115 करोड़, तो कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ से देख लीजिए, लगभग 73 करोड़ से। और ये आया 73 करोड़, फिर 67 करोड़, 71, 101, 115 करोड़, और फिर क्या हुआ 83, फिर 83, 113, 138। मतलब नेट प्रॉफिट जो है कभी तो बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन ज्यादा भी नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ रहा हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत ये नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं है, कहीं नेट प्रॉफिट माइनस में तो नहीं जा रहा है, तो माइनस में नहीं जा रहा है, लेकिन उतना बढ़ भी नहीं रहा है, इसको आप देखिए। उसके बाद ईपीएस देखिए, तो ईपीएस भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर है ये, कितना कंपनी कमा रही है पर शेयर पे, तो ये आ रहा है आपका 7.81, उसके बाद 5.45, अब 9.41 है। आपको सर सारा कुछ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कंपनी में क्या क्या देखना है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो साल दर साल का देख लीजिए आप, साल दर साल में पहले कितना था, 2013 को आप छोड़िए, 2021 से लीजिए, 4101 करोड़ की जो सेल्स थी, अब वो 5322 करोड़ की हो गई है, खर्चा भी उसी के अनुसार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ देखें तो लगभग 9% पर काम कर रही है कंपनी, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल कंपनी का घट रहा है। ये देखिए पहले 12% पे, 13%, कभी 20% पे लाई है, लेकिन अब कंपनी 9% पे है, जो कि कम है। ठीक है सर, अब यहाँ पे अगर देखें तो टैक्स अगर देखा जाए, टैक्स नहीं नेट प्रॉफिट देखा जाए, तो नेट प्रॉफिट देखिए 416 करोड़ का है, जो पहले 466 करोड़ पे, अब 416 करोड़ का है, तो नेट प्रॉफिट भी उतना ही है, लगभग सेम है, कोई ज्यादा कंपनी में हमें ग्रोथ ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है नेट प्रॉफिट के मामले में भी, सब मामले में। ईपीएस अगर देखा जाए तो ईपीएस 27 का है, जो 20 का यहाँ पे था, 27 का है, ठीक ठाक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखी जाए 3 साल की 9% है, उसके बाद 3 साल की 1% है, स्टॉक का सीएजीआर आपका 1 साल का 48%, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल की 15% है। ठीक है सर, ये हुआ आपका, मतलब ओवरऑल ठीक ठाक है कंपनी। अब मैं इसको कहूँ कि बहुत अच्छी श्रेणी में तो उसमें भी नहीं है, और मैं कहूँ खराब श्रेणी में ज्यादा तो उसमें भी नहीं है। ठीक है सर, उसके बाद थोड़ा सा बैलेंस शीट पर नजर डाल लीजिए कि रिजर्व कितना है कंपनी के पास, कर्जा कितना है, ये तो आप पता चल ही गया। टोटल लाइबिलिटी 3098 की है, उसको कैसे खर्च कर रखा है कंपनी ये देख लीजिए, तो 497 फिक्स्ड है, उसके जो फिक्स्ड क्या है, जो कि उसका फिक्स्ड है, मतलब उस कंपनी बनी हुई है, जगह है, क्या है, वो सब फिक्स्ड एसेट में आ जाता है, ये उसके फिक्स्ड है, परमानेंट है। CWIP क्या है, जो वर्क प्रोसेस में चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है 746 करोड़ का, अदर एसेट 1800 करोड़ के हैं, तो ये ठीक है। उसके बाद अब एक अगली चीज जो मैं देखना पसंद करता हूँ वो रेशियो है, तो थोड़ा रेशियो पे अगर ध्यान दें तो ये आप देखिए कि 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, डेप्टर डेज हैं, इन्वेंट्री डेज हैं, डेज पेबल हैं, और कैश कन्वर्जन साइकिल है, तो ये 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, तो ये देखिए वर्किंग कैपिटल डेज है, ये क्या है, ये कंपनी की वो चीजें जैसे कंपनी डेप्टर डेज है, कितने दिनों में, कितने दिनों जिनसे उनने कर्जा ले रखा है, जिनसे डेप्टरों से उनको कितने दिनों में चुका पा रही है, कैश कन्वर्जन साइकिल है, कितने दिनों में काम को जो कर रही है, मान लो झींगा का उत्पाद, झींगा के लिए भोजन बना रही है, तो कितने दिनों में भोजन बना के उसको सेल्स कर पा रही है, तो ये सारा बहुत अच्छा है कंपनी का जो काम काज है। मैंने बताया आपको कि 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, अब 90 दिनों के अंदर मैंने क्यों बताया, वो इसलिए मैंने बताया कि 90 दिन से क्या होता है कि कंपनी के रिजल्ट आते हैं 3 महीने के अंदर, 3 महीने कितने दिन होते हैं, 90 दिन होते हैं, 3 महीने के अंदर उनके रिजल्ट आते हैं, तो उसमें रिजल्ट में सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये देखो ये बहुत अच्छे हैं कि इसके कैश कन्वर्जन साइकिल, डेज पेबल, डेप्टर डेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है सर, 75 दिन, 27 दिन, 57 दिन, तो कंपनी का कामकाज बहुत ही बेस्ट है। शेयर होल्डर पैटर्न देख लें तो शेयर होल्डर पैटर्न में ये बात जरूर ध्यान रखिए कि प्रमोटर के पास माल होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा माल पब्लिक के लिए बैठ जाए, इन शेयरों से दूर रहें। जैसे एक शेयर है अभी जो लगातार चर्चा में चल रहा है, हर्षिल एग्रोटेक, हर्षिल एग्रोटेक में शेयर मतलब देखा जाए तो पूरी की पूरी 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 कंपनी समझ लो पब्लिक चला रही है, ठीक है सर, अब तब भी 8 रुपए का शेयर हो गया है, उसमें भी लाइन लगी है सर, इतनी इतनी हैवी क्वांटिटी ली जा रही है, फिर जब वो गिरेगा, जब ऊपर आप अटक जाओगे, नीचे आएगा स्टॉक, तब फिर आप चिल्लाओगे सर आपने ये किसी ने बताया नहीं कि ये, और अभी लोग बता रहे हैं, मान मैंने भी एक वीडियो डाला है उसके मैंने बताया भी है कि प्रमोटर की होल्डिंग उसमें है ही नहीं है, तो फिर आप ऐसे शेयरों से थोड़ा दूर रहें। हम कह रहे हैं कि आपको किसी शेयर में हो सकता है कि पैसा जल्दी ज्यादा बन जाए, तो थोड़ा जल्दी ना बना के थोड़ा धीरे धीरे बना लो पैसा, लेकिन आप सेफ तो रहेंगे, तो पर ये बात आपको तब समझ में नहीं आती है, लेकिन जब पैसा डूबता है तब ये बात आपको समझ में आती है। तो मैं अब प्रमोटर की होल्डिंग देखिए कंपनी में जरूर रहनी चाहिए। FII की होल्डिंग कितनी है देखो, 14% है, 14.40% है, सेप्टेम्बर क्वार्टर में अपडेट हो गया है, सेप्टेम्बर क्वार्टर में उसने अपडेट बढ़ाई है, उसके DII ने होल्डिंग बढ़ाई है, FII ने होल्डिंग बढ़ाई है, DII ने होल्डिंग थोड़ी कम की है, उसके बाद पब्लिक का 33 पॉइंट है, थोड़ी गवर्नमेंट का भी स्टेक है, तो सारा कुछ शेयर होल्डर पैटर्न अच्छा है। तो अब सर
कितना सिंपल है आपको देखना इसके फंडामेंटल, तो ये आप जरूर देखिए किसी भी कंपनी में। ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिसका भी आप फॉलो करते हैं, जिसका वीडियो सुनते हैं, अगर वीडियो नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि हर स्टॉक का वीडियो बनाना सिंपल मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है कि हर स्टॉक आपको कौन सा पसंद है, लेकिन जब आप देखेंगे हमें फंडामेंटल, आपको ये करना है फंडामेंटल देखना है, जब आप फंडामेंटल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एक दिन समझ में आएगा, दूसरे दिन समझ में आएगा, तीसरे दिन से आपको लगातार आप देखेंगे, तीसरे चौथे दिन से समझ में आने लगेगा, सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, तो आपको ये समझ में आया। उसके बाद अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। हाँ, अब थोड़ा ये जरूर है कि चार्ट थोड़ा जरूर टफ होता है, तो उसको भी थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं।